हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिस कारण से कल भी क्लास नहीं हुई थी बायो की, और आज वो टेक्निकल फॉल्ट जैसे ही सही हुआ आप लोगों की क्लासेस हम लोगों ने उसी टाइम पे शेड्यूल कर दिया। हाय सोनिया शर्मा, इशिता, मोहित, कैरियर पॉइंट कमांडो, कैसे आप सब? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा। मैं एक बार पहले रिवाइज करवाऊंगा थोड़ा सा हमारा जो टॉपिक बचा है एनाटॉमी का, जिसको कि हम कह रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, ठीक है, वो हम देखेंगे। लेकिन पहले मैं प्राइमरी जो हमारा वो था स्टेम वाला, वो भी मैं आपको उसको रिपीट करता हूं। चलिए, ये सब हमने पढ़ लिया था टिश्यू सिस्टम के बारे में, एपिडर्मल, ग्राउंड, वेस्कुलर। एपिडर्मल के बारे में पढ़ लिया था, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, कॉर्टिकल रीजन के पार्ट जो है ये हम लोगों ने देख लिए थे, पेरिसाइकिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, पित्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये किस तरह से जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है सेकेंडरी ग्रोथ का, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। आगे हमने ये वुड के बारे में पढ़ लिया था किस तरह से हो रही है, और ये हमने देख लिया था एक्टिविटी ऑफ कॉक कैम्बियम के बारे में भी, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। लास्ट हमारी जो बात होनी थी वो होनी थी बार्क पे, ठीक है, बार्क से स्टार्ट करना था और उसके बाद लेंटिसेल्स और लास्ट में सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक स्लाइड के ऊपर ये बताता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे पहले, क्योंकि वो ही रूट का भी सेम टू सेम वैसा ही है। शांगनी, विक्रांत दुबे, हाय, हाउ आर यू? प्रिंस राजपूत, हेलो, हाय सोनिया, मैं बहुत अच्छा हूं, और मैं जानता हूं बहुत प्रॉब्लम हुई होगी पिछले एक दो दिनों में, पर ये कभी कभार हो सकता है। देखिए टेक्निकली चीज है, कई बार फॉल्ट आ जाता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। चलिए तो मैं पहले स्टेम के बारे में बात करूंगा। तो स्टेम के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमने ये पढ़ा था कि जो स्टेम है उसका ये रहा, दिस इज द आउटर मोस्ट, ये है पेरिसाइकिल। मैं स्टेम का बता रहा हूं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इस चीज पे, ठीक है, ये स्टेम के अंदर। उसके बाद हमने ये देखा था कि इनके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये देखिए, दे आर द वेस्कुलर बंडल्स, इस तरह से अरेंज है वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, और इन वेस्कुलर बंडल में अंदर की साइड तो है जाइलम, और आउटर साइड में हमने पढ़ा फ्लोएम। और स्टेम के जो वेस्कुलर बंडल थे उसके अंदर हमने पढ़ा कि बीच में इनके एक स्पेशल कुछ बैंड है, स्पेशल टिश्यूज के दोनों वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, और इनको मोहित नोट्स बनाने जरूरी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है याद होना। यदि आपको याद है तो नोट्स की क्या जरूरत है, तो सबसे ज्यादा फोकस कीजिए आप याद करने में। तो ये जो हमने चीज पढ़ी थी ये थी इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, और उसके बाद बीच वाला जो रीजन था वो हमने पढ़ा था, ये पित्त होता है, और इस पित्त से इस तरह से जो रेज निकल रही है, दे आर द मेडुलरी रेज। और हमने ये पढ़ा था ये जो मेडुलरी रेज है इनके डी डिफरेंशिएशन के कारण। हेलो ओजस्वी, हाय शिवांगी, हाँ, इनके डी डिफरेंशिएशन के कारण क्या होता है, ये जो रिंग है इस रिंग का एक पार्ट बीच में और बनता है, जिसको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दिस इज इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, और ये इंटर फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम आपस में इस तरह से ज्वाइंट हो जाएंगे। देखो इस तरह से इंटर फेसिकुलर कैम्बियम ज्वाइन विथ इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, और अब जो ये चीज बनी है दिस इज वीसीआर। वीसीआर स्टैंड फॉर, हाय युवराज, हाय रवल, वीसीआर स्टैंड फॉर वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि यदि ये वीसीआर है, ये वीसीआर है, तो ये वीसीआर अंदर की तरफ बढ़ाएगी सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी अंदर की तरफ। हाय सोनिया, हैप्पी गणेश चतुर्थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शिवम वर्मा, हाय विक्रांत, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन पहले अभी क्या है, 18 ही बच्चे आए फिलहाल, और आज हो सकता है कम रही अपनी स्ट्रेंथ।
बट आप बाद में वीडियो जरूर देखा कीजिए, हो सकता है कई बार क्या होता है टेक्निकल एरर होता है तो कंप्लीट स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है ना। साक्षी पुजारी हाय, तो क्या होता है कभी कंप्लीट स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई, कहीं कुछ अटक गया कहीं कुछ, तो बाद में वीडियो आराम से बैठ के जरूर देखा कीजिए। और जब भी ये वीडियो आप दोबारा देखें तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, ताकि जो जो चीजें आपको करनी है वो आप फटाफट नोट करें। हाय अखिलेश, चलिए तो अंदर जो सेकेंडरी जाइलम है ये बहुत ज्यादा बनाता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम कम बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर से एक प्रेशर पड़ेगा, है ना, अंदर से प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से बाहर की जितने भी सेल्स है वो सब टूट जाएंगी। अब बाहर की जो सेल्स टूट जाएंगी, बाहर की रचना हाय, तो बाहर की गोला भाई हाय, कैसे हो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ पायल, आज ही लेक्चर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड गोला भाई, बाद में देखता हूं सर के साढ़े छह टाइम नहीं मिलता है, इट्स ओके गोला भाई, पर देख जरूर लेना, है ना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये बाहर अंदर से इतना प्रेशर दे रहा है कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले जो टिश्यूज है ना, बहुत आगे वाले, आगे तक लास्ट तक कॉर्टिकल सेल्स हो गए आपके, आपके एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस है तो हाइपोडर्मिस हो गया, ये सब बिल्कुल क्या हो जाएगा, इशिता हाय, ये सब क्या हो जाएगा, एकदम से क्रश हो जाएंगे। अब क्रश होने के बाद अब वो प्रोटेक्टिव जो फंक्शंस थे, जैसे एपिडर्मिस का आपको पता प्रोटेक्टिव फंक्शन है, खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब जो कॉर्टिकल सेल्स है, जो बचे हुए कॉर्टिकल सेल्स है, ये कॉर्टिकल सेल्स का होगा डी डिफरेंशिएशन, और डी डिफरेंशिएशन होने के बाद में ये एक कुछ स्ट्रिप्स बनाएगी, कुछ लेयर बनाएगी, और ये लेयर होंगी फेलोजन की। ये जो फेलोजन है ये बाहर की तरफ सुबैरिनाइज्ड, सुबैरिन से बिल्कुल बने हुए सेल्स बनाएगी, जिसको हम कहेंगे फेलम, और अंदर की तरफ ये पेरेन्काइमेटस टिश्यूज बनाती है। ये जो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज है जो अंदर की तरफ इसी लेयर ने बनाया है, तो बाहर तो उसने फेलम बना दिया, अंदर बनाती है फेलोडर्म, ठीक है, ये फेलोडर्म। कोई बात नहीं माधवी, यू आर नॉट लेट, हाय रेनू कैसी हो। तो फेलोजन ने बनाया बाहर फेलम और अंदर बनाया फेलोडर्म, और इन तीनों को मिलके हम कहते हैं पेरिडर्म। ध्यान से सुनिए, ध्यान से आकांक्षा पाल हाय, ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ अभी रिवाइज करा रहा हूं, ये सब पहले पार्ट है, हमने पढ़ चुके हैं हम सब, कोई बात नहीं माधवी। एक्चुअली हम लोगों की प्लानिंग हुई, विशाल सर ने कहा कि यार करते हैं आज लाइव जाते हैं, मैंने कहा ठीक है, अभी टेक्निकल इश्यू जस्ट हमारा अभी रिजॉल्व हुआ था इसीलिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने ये सब पढ़ लिया था कि किस तरह से जो सेल्स है ना वो किस तरह से फॉर्म, ये फेलोजन बाहर बनाया, फेलम अंदर बनाया, से फेलोडर्म, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स की तरह बिहेव करता है। ये जो फेलम है ना ये कॉक्स सेल्स है, और ये कहां बन रहा है, ये स्टील रीजन के बाहर वाले पार्ट में बन रहा है। हैप्पी बर्थडे माधवी, ठीक है, कैरियर पॉइंट जल्दी क्विज लेंगे, एक वीक में एक बार होगा, बस वो कब होगा वो इस वाले वीक में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बोल रहे हैं ये जो पेरिडर्म है ना, इसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ये पेरिडर्म ने इन तीनों लेयर का फॉर्मेशन किया है, ये प्रोटेक्टिव मतलब फंक्शन है। अब हम आ रहे हैं जो भी वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाला पोर्शन है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो भी वैस्कुलर बंडल के बाहर वाला पोर्शन है वो सभी क्या फॉर्म करता है, वो सभी फॉर्म करता है बार्क। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एनसीईआरटी ये कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि यदि आपको जाइलम के बारे में बात करें, वुड के बारे में बात करें, तो वुड हमेशा फॉर्म्ड होती है जाइलम से, वुड हमेशा जाइलम से फॉर्म्ड होती है। मोहम्मद दानिश, कौन से चैप्टर का होगा टेस्ट, एक्चुअली मैं अभी आपको लास्ट में ये बताऊंगा, है ना। चलिए ठीक है आगे हम देख रहे हैं। तो बार्क क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर वाला, वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर वाली जो भी टिश्यूज है वो सभी बार्क का फॉर्मेशन करती है। डेड सेल्स हैं ये सारे, और ये पील ऑफ जिस तरह से मतलब परत निकलती है ना, ऐसे ही ये प्लांट के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आप इसको बोल सकते हैं। उसके अंदर बिल्कुल लिविंग पार्ट होगा, पल्प टाइप का, बिल्कुल लिविंग, है ना।
नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूं, ये जो बार के जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर है, तो जब भी आपको बोला जाएगा वुड, तो वुड के अंदर वुड मेनली कंसिस्ट ऑफ जाइलम, हमेशा जाइलम का होगा, सेकेंडरी जाइलम मेनली, ठीक है। और यदि हम बात करें बार्क के बारे में, तो बार्क मेनली कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम, ये फ्लोएम से मिलके बना होगा, अब चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो सब, ठीक है। बार्क कई सारे टाइप की है, बार्क हो सकती है आपकी रिंग बार्क, या हो सकती है स्केल बार्क, ठीक है। ये आपके लेवल का नहीं है इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। पहले जमाने में एक भोजपत्र नाम से हुआ करता था पेड़, ये भोजपत्र की जब इस तरह से छाल निकालते थे ना, तो पूरी छाल आती थी, ये जो छाल थी ये यूज करते थे एज ए पेपर की तरह, पेपर जैसे पहले जमाने में पेपर थोड़ी होता था, पहले जमाने में ये जो भोजपत्र होते थे ना इनमें लिखा जाता था, तो ये भोजपत्र एक्चुअल में रिंग बार्क थी। रिंग बार्क ऐसी बार्क होती है, रिंग बार्क ऐसी बार्क होती है जो पूरी एक्टिव हो, एक टाइम में पूरी एक्टिव है, तो उसमें पूरा का पूरा पार्ट जो है, पूरी वो छाल जो है पूरी निकल रही है। स्केल बार्क में क्या होता है, ये देखो आप स्केल्स दिख रही है, छोटे छोटे से टुकड़े है ना, इस तरह से ये निकलती है बार्क में, ओके। नेक्स्ट, अब ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंटिसेल्स, ठीक है। लेंटिसेल्स की क्या कहानी है, देखिए लेंटिसेल्स के बारे में जब भी हम बात करेंगे, तो एक बात आप ध्यान रखना कि एक लेयर बनी थी जिसका नाम था फेलोजन। ये जो फेलोजन लेयर थी ना, ये ऊपर क्या बनाती है, ये फेलोजन लेयर ऊपर की साइड बना रही थी फिल्म, सुबेरिनाइज्ड सेल। और सुबेरिन एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, सुबेरिन वाटर रिपेलेंट है, पानी वानी इंप्रीवियस फॉर वाटर है, पानी अंदर नहीं जाने देगी। लेकिन कई बार क्या होता है, इस फेलोजन की एक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है, है ना। फेलोजन की एक्टिविटी क्या हुई, एकदम से बढ़ गई। जब फेलोजन की एक्टिविटी एकदम से बढ़ गई, तो अब ये सुबेरिनाइज्ड सेल नहीं बनाएगा, ये ऐसे इंटरसेलुलर स्पेस वाले पैरेन्काइमेटस सेल्स बनाएगा, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल इतना प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल इतना ज्यादा प्रेशर बनाते हैं कि बाहर की ये जो कॉकैम्बियम ये फेलोम वाली लेयर ने फूट जाती। अब यहां पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, लेंस शेप का एक स्ट्रक्चर बन गया है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। और इस लेंटिसेल्स का काम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का इसके ऊपर गुच्छा है, और ये लेंटिसेल्स का काम है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना। अब आप लोगों में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या, स्टेम के अंदर तो हमने देख लिया प्रेजेंट है ना, लेंस शेप का है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल है, ट्रांसपिरेशन भी करता है ये प्लांट में, ठीक है मोहित। नेक्स्ट, हम ये कह रहे हैं क्या ये लेंटिसेल्स रूट में भी प्रेजेंट होते हैं, ये आपका होमवर्क है, चलिए है ना, क्या ये लेंटिसेल्स रूट में प्रेजेंट है, और रूट में यदि प्रेजेंट है तो कौन सी रूट में होते हैं, ठीक है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं पहली स्टार्टिंग इससे करूंगा कि क्या लेंटिसेल्स रूट में प्रेजेंट है, यदि रूट में प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिए, यदि रूट में प्रेजेंट है तो कौन सी रूट में प्रेजेंट है, ये आपको क्या करना है बच्चों, इसके कमेंट सेक्शन में डाल देना है अगली क्लास में, तो क्या कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगली क्लास का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, ठीक है, बिल्कुल साक्षी जल्दी ही ट्वेल्थ भी स्टार्ट होगी है ना, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में डालेंगे आंसर, मैं फिर लास्ट में आपको बताऊंगा एक दिन बाद में कि हाँ ये रूट में होता है, रूट में होता है तो कौन सी रूट में होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ये हमारा लेंटिसेल्स है, यहां ही तक था हमारा। नेक्स्ट हम आगे जो बात कर रहे हैं वो है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। चलिए अब हम एक स्लाइड के ऊपर बात कर लेते हैं इसके कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है रूट्स में, है ना। तो बच्चों देखो, हमने ना ये चीजें पढ़ ली है, हाय खुशी, हमने ये चीजें पढ़ ली है कि रूट के अंदर एक्चुअल में किस तरह की सिचुएशन होती है, किस तरह का वैस्कुलर बंडल होता है, रेडियल होता है। अब रेडियल की कहानी क्या है, देखो बिल्कुल फोकस करो, ठीक है,
ये रेडियल की कहानी क्या है, एक साइड रहेगा ये, देखो ये मान लीजिए जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम फ्लोएम अल्टरनेटिव इस तरह से लगे होते हैं, है? बबलू साफी बेटा बिल्कुल मैं समझ सकता हूं आपके साथ में चीज, लेकिन बेटा आप मेरी बात सुनिए, आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मैं भी नहीं जानता, है ना, आपको यदि बबलू कोई प्रॉब्लम है तो आप आके बात करो, आप आके यहां पे बात करो, आप कॉल करो, आना यदि पॉसिबल नहीं है तो एक मेल टाइप करो, है ना बेटा, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मैंने देखा है आप वीडियोस में बहुत कुछ उल्टी पुल्टी बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बबलू बेटा, तो बेटा देखो इसमें क्या है कि और भी बच्चे हैं जो इस चीज को पढ़ते हैं उनको समझ भी नहीं आता, कई सारे बच्चे यहाँ लाइव ले रहे हैं, है ना, तो आपको यदि लाइव से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको जरूर सॉल्व कर सकता हूं, है ना, लेकिन बेटा आप ये बार 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 बैड क्वालिटी है ये, आप इसकी कंप्लेन कीजिए, हमारा जो सेक्शन है आप उसमें फोन कीजिए, आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी, ठीक है बेटा बबलू, है ना, बाकी मैं यहां पे आपके लिए अवेलेबल हूं, मेरे से यदि कोई हेल्प चाहिए आपको कि सर ये टॉपिक है इसको इस तरह से और करिए ये कीजिए, मैं बेटा आपके लिए हमेशा अवेलेबल, ठीक है बेटा, चलिए तो हम आगे देख रहे हैं ये जाइलम फ्लोएम इस तरह से अल्टरनेटिव लगे हुए, ठीक है आगे अब मैं बात करता हूं, मैं चार चीजों को लेके बात कर रहा हूं सिर्फ, ये जो है ना हमारी कंडीशन, ये देखिए ये एक जाइलम है, ठीक है ये एक फ्लोएम है, ये एक जाइलम है, ये एक फ्लोएम है, ये एक जाइलम है, ये एक फ्लोएम है, ये एक जाइलम है, ये एक फ्लोएम है, ये कंडीशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं लेंटिसेल्स, अब डाइकोट रूट शिवांगिनी, मैंने यही कहा है कि आप सब कमेंट सेक्शन में डाल देंगे ये सारी बातें कि कौन से रूट में होता है तो क्यों होता है, मैं वहां पे देखूंगा, ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं यहां पे। तो अब क्या है, ये जो फ्लोएम है ना फ्लोएम, इस फ्लोएम के यहां पे सेंस, इस जाइलम के मैं अलग कलर से डिनोट कर रहा हूं, देखो फ्लोएम के ऊपर वाली, एक्चुअल में हम इसको कहेंगे फ्लोएम के नीचे वाली, है ना, फ्लोएम के नीचे वाली कहेंगे, ठीक है, और जाइलम के ऊपर वाली, ये देखो इधर फ्लोएम के नीचे वाली, जाइलम के ऊपर वाली, फ्लोएम के किधर वाली, नीचे वाली, जाइलम के ऊपर वाली, फ्लोएम के किधर, नीचे, जाइलम के ऊपर, फ्लोएम के नीचे, जाइलम के ऊपर, ठीक है ये देखिए, ये क्या चीज थी, ये थी पेरिसाइकिल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे कैम्बियम था ही नहीं, यहां पे पहले से बच्चों कैम्बियम है ही नहीं, यहां पे कैम्बियम डेवलप्ड होगा और कौन करेगा, वो करेगा पेरिसाइकिल, पहली चीज। दूसरा कंजेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, कहां पे होते हैं बच्चों कंजेक्टिव टिश्यूज, ये कंजेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, रूट्स के अंदर, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं कंजेक्टिव टिश्यूज, वो भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो पेरिसाइकिल भी डिफरेंशिएट करके कैम्बियम बना रही है, कंजेक्टिव टिश्यूज भी डिफरेंशिएट करके क्या बना रहे हैं, आपका कैम्बियम बना रहे हैं। तो अब कैम्बियम किस तरह से आ रहा है, देखो ये फ्लोएम के नीचे, फ्लोएम के नीचे, ऊपर नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे बिलो द फ्लोएम और जाइलम के ऊपर, तो ये पेरिसाइकिल वाली जो सेल थी ये डी डिफरेंशिएट हुई इस तरह से, ये वाली इधर से डी डिफरेंशिएट हुई, स्ट्रिप्स बना रही है, कैम्बियम के स्ट्रिप्स है, तो यहां पे कैम्बियम प्राइमरी इन ओरिजिन है ही नहीं, कैम्बियम पूरा का पूरा सेकेंडरी इन ओरिजिन है, जबकि हमने स्टेम में ये देखा था, स्टेम में हम लोगों ने ये पढ़ा और देखा कि किस तरह से वहां पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। मोहम्मद दानिश, वापस मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं बच्चों ये बोल रहा हूं कि रूट के अंदर ना, एक बार दोबारा बनाता हूं मैं, चलो आप लोग इधर देखो, मैं वापस, दानिश इधर देखो बच्चा, ये देखो ये था पेरिसाइकिल, ठीक है, इस पेरिसाइकिल में, इस पेरिसाइकिल के अंदर ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम, 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 ये जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहां पे है ही नहीं कैम्बियम, तो है ही नहीं, लेकिन कैम्बियम डेवलप्ड होगा, कैसे डेवलप्ड होगा,
डी डिफरेंशिएशन से। किसके डी डिफरेंशिएशन से? देखो जाइलम के ऊपर वाली जो ये पेरिसाइकिल वाली सेल्स है ना, ये डी डिफरेंशिएट करेगी। फ्लोएम के नीचे वाली जो सेल्स है ये डी डिफरेंशिएट करेगी, और इन दोनों के बीच वाली जो सेल्स है वो भी। सबसे पहले जाइलम के, फ्लोएम के नीचे, जाइलम के ऊपर, फ्लोएम के नीचे, जाइलम के ऊपर, फ्लोएम के नीचे, जाइलम के ऊपर, ये वाली सेल्स से क्या किया बच्चों? डी डिफरेंशिएट किया, और डी डिफरेंशिएट करने के बाद में बीच में कंजक्टिव टिश्यूज है, उन्होंने भी डी डिफरेंशिएट किया। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए डी डिफरेंशिएट कर रही है बीच बीच में। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब ये क्या करेगा? ये करेगा ग्रो, और ग्रो करके क्या बनाएगा? देखो बच्चों, ये ग्रो करके बनाएगा, ये देखो अब क्या होगा, इस तरह से ये था, है ना। अब देखिएगा, थोड़ा बात को समझिएगा, ये जाइलम है, मैं कमी बनाऊंगा, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये था। अब देखो क्या हुआ, एक रिंग बन गई भाई। अब रिंग कैसी बनी है देखो जरा, ये रिंग बनी है, ध्यान से देखना बच्चों, जाइलम के नीचे से होते हुए आ रही है, और ये आ गई फ्लोएम के ऊपर से, फिर जाइलम के नीचे से, फ्लोएम के ऊपर से, जाइलम के नीचे से, फ्लोएम के ऊपर से। ये क्या आपको क्या सर्कुलर रिंग नजर आ रही है क्या? नहीं। ये रिंग कैसी है? वेव लाइक, दिस इज ए वेवी रिंग, ठीक है बच्चों। अब और ग्रोथ होगी इस रिंग की, और बीच के टिश्यूज और ज्यादा क्या करेंगे? बीच के टिश्यूज और ज्यादा डी डिफरेंशिएट करेंगे। अब कंडीशन क्या आएगी? ये डायग्राम देख लिया, अब मैं आगे एक स्लाइड में बना रहा हूं वापस, ये डायग्राम ध्यान से सुनो। अब कंडीशन ये आएगी बच्चों कि ये था, और ये जो वीवी रिंग बनी थी ना, इस तरह की, इस तरह की जो रिंग बनी थी, अब ये ग्रो करेगी और ये रिंग हो जाएगी बिल्कुल सर्कुलर, और ये बन जाएगी वीसीआर की रिंग। और ये देखो, ये लास्ट में था पेरिसाइकिल। अब वो ही जो हमने पढ़ा है स्टेम के अंदर, कि स्टेम किस तरह से डिफरेंशिएट होगा, बिल्कुल सेम वैसे का वैसा रूट भी करती है। बस रूट के अंदर ये ध्यान रखना सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लेकिन वहां पे एज ए ट्रॉपिक में जिस तरह से टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, जमीन के नीचे भी टेम्परेचर फिक्स होता है, यहां पे दो डिफरेंट टाइप की रिंग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिल्कुल सेकेंडरी ओरिजिन है, वेरी गुड। और इस तरह से हम अब स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, मैंने बताया जो आपको वही चीज यहां पे हुई, इस तरह से ये वेवी एक वेव रिंग बनी है, वेव सर्कुलर हो गई, और बाकी जो हमने स्टेम में पढ़ा। अब इसके अंदर भी वही होगा, बहुत सारे टिश्यूज बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, अंदर से प्रेशर लगाएगा सेकेंड जाइलम, बाहर जो भी रूट के आउटसाइड वाले टिश्यूज है वो सब रेप्चर हो जाएंगे। वहां पे हमने क्या पढ़ा? वहां पे हमने पढ़ा था कॉर्टिकल रीजन के डी डिफरेंशिएशन से फेलोजन बनती है। यहां पे कैसे बनेगी? यहां पे पेरिसाइकिल जो है रूट के अंदर वो डी डिफरेंशिएट होगा, और पेरिसाइकिल डी डिफरेंशिएट होके आपका फेलोजन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है बच्चों, फेलोजन का फॉर्मेशन करेगा, और फेलोजन का फॉर्मेशन करने के बाद में ऊपर जो है फेलम और अंदर बिल्कुल वही। तो स्टेम और रूट में कोई डिफरेंस नहीं है सेकेंडरी ग्रोथ में। एक तो ये डिफरेंस है कि स्टेम के अंदर दो डिफरेंट टाइप के रिंग्स का फॉर्मेशन होता है टेम्परेट रीजन में, यहां पे कोई दो डिफरेंट टाइप के वुड का या रिंग का, स्प्रिंग रिंग और ऑटम रिंग हमने पढ़ी, उसमें कोई डिफरेंस। दूसरी चीज, हम इसके अंदर ध्यान से सुनना बच्चों, हम इसके अंदर सारा जो कॉर्टिकल जो हमारा कैम्बियम है सेकेंडरी इन ओरिजिन होगा, वहां पे कुछ जो कैम्बियम था जिसको हमने कहे इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, वो वहां पे प्राइमरी होता है। यहां पे पेरिसाइकिल से फेलोजन बन रहा है, वहां पे कॉर्टिकल। That is all about your chapter. अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूं। Porous wood, ऐसी wood, ऐसे plants जिनके पास में vessels present होती हैं, उनमें porous wood होती है। Example angiosperm, जिनमें vessels नहीं होगी, उनको हम कहेंगे non-porous wood. For example, gymnosperm, secondary growth करता है वो। Next, आगे यदि हम बात करें बच्चों, तो heterozygous wood, angiosperm की जो wood होती है ना, heterozygous wood. और जो जिम्नोस्पर्म बना रहा है होमोजाइलस वुड, वही वेसल्स वाली कहा। दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। और अब कुछ बहुत जरूरी बातें, हमारी बातें, और वो बातें क्या है? वो बातें ये हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखी है ना,
एट मंथ प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा? नवल कौन सा एट मंथ का प्रोग्राम? नीट वाला। देखो मेरा फोकस किस चीज में, हो सकता है थोड़ा सा फास्ट चल रहा होगा, मेरा फोकस ये है कि मैं आपको सारा कोर्स करवा के दूं, पूरी कोशिश है मेरी। है इशिता, मैंने आपको यही कहा है कि अभी देखो मेरे पास टाइम कम है, 5 मिनट में मुझे वाइंड अप करना है ताकि सर जो है वो लेक्चर उनका आने वाला है, आप लोगों को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। आप जो भी आपके, मैंने आपको सबको हजार बार कहा है लेकिन आप लोग वो चीज नहीं फॉलो करते हैं, जो भी आपके डाउट है, जो मैं नहीं पढ़ पाया या मैं जो नहीं अभी फटाफट में नहीं जवाब, आप कमेंट सेक्शन में कर दो, मैं उसका हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग बच्चों, मैंने कुछ वीडियोस देखी है जिसके अंदर टीचर ये बताते हैं एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है ना, और लास्ट में उन्होंने सिर्फ यही कहा कि एनसीईआरटी आप अपने साथ रखो और ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। नहीं बेटा, कोई पढ़ने का कोई रूल नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत पूरे एनसीईआरटी अंडरलाइन करके रखते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं नोट्स बना के रखते हैं। देखो नोट्स बनाना अपने आप में बहुत लेबोरियस काम है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बायो में? याद होना। यदि आपको याद है तो नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इंप्लांट्स, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इंप्लांट्स। और मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल है ना, प्रेशर पोटेंशियल, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, हम जब लेक्चर लेंगे ना, जब ट्रांसपोर्टेशन इंप्लांट्स, एक डाउट नहीं रहेगा आपको, आपको वो चीजें बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। चलिए फिर कल मिलते हैं वापस वही 7 बजे ट्रांसपोर्टेशन इंप्लांट्स के साथ में। जब भी मेरा लेक्चर अटेंड करो साथ में पेन और कॉपी जरूर रखा करो, क्या पता कौन सी चीज है जो आप फटाफट नोट करें। ओके, गुड नाइट। 8 बजने वाले हैं, सर का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, फिजिक्स वाले सर का। फोकस कीजिए, ये चैप्टर यहीं पे खत्म। बाय।